Good evening, friends. Thank you for coming with me on Facebook Live. मैं आपको brief करना चाह रहा था. I want to brief you all regarding my petition in the Supreme Court. Supreme Court में, as you all know, मैंने पहले भी कहा था, I'd already said this before, that I'll be filing a petition in the Supreme Court. And my petition was filed. Today, मैं आपको information देने के लिए आया हूँ Facebook Live में कि मेरा Supreme Court में petition has been accepted. Northeast से आसू ने ये petition file किया था. अभी तक from as an individual, I'm the only one from the Northeast. My lawyer was Abhishek Manu Singhvi. बहुत जाने हुए lawyer हैं. और मेरे स्पेसिफिक केस में, क्योंकि सबने आर्टिकल 14 में उठाया है, आर्टिकल 21 में उठाया है, मेरा एक स्पेसिफिक प्ली भी था कि आपने टीएनवी अकॉर्ड, एटीटीएफ अकॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और आर्टिकल 15 मैंने लिखा है उसमें, तो उस इशू में सुप्रीम कोर्ट ने मेरा मैटर को लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू कर दिया है. मैं पहले से जानता था कि स्टे नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने स्टे के लिए पूछा भी नहीं था. हमने कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिसेस इशू कीजिए कि आपने कैसे हमारे ट्रीटीज अकॉर्ड्स को वायलेट किया है, और उस आधार में हमने नोटिस सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है. बहुत लोगों ने स्टे के लिए मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये कानून लागू ही नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो स्टे का बात ही नहीं बनता है. मैं ये पहले से जानता था, हमारे लॉयर के संग बात हुआ था, एंड वी हैड मेड इट वेरी क्लियर कि हम नोटिसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हमारा दलील को मंजूर किया है और उन्होंने नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है कि आपने किस आधार में ये बिल पास किया, लागू करेंगे त्रिपुरा में, क्योंकि वहां में हमारी लोकल अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, टीएनवी अकॉर्ड, एटीटीएफ अकॉर्ड में आपका क्लियर वायलेशन होगा. तो ये बात मैं आप सबको कहना चाहता था. आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि हमने, हमारा पहला कदम ठीक डायरेक्शन में गया है. इट इज अ वेरी गुड थिंग. इट्स पहली बार शायद त्रिपुरा से किसी को ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस भेजा है इस लाइन में, इस थिंकिंग में. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु इज बीन सपोर्टिंग मी. मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने किसी से एक रुपया भी नहीं लिया है, मुझे किसी से एक रुपया भी नहीं चाहिए. आप मेरे नाम में चंदा कलेक्ट मत कीजिए. ये मैं अपने पॉकेट से, अपने बलबूते में, अपने लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ. मुझे एक पैसा आपसे नहीं चाहिए. आप मेरे नाम में अगर कोई भी चंदा कलेक्ट करता हो, आप एक रुपया मत लीजिए. आई हैव गॉट इनफ पीपल, आई हैव गॉट इनफ रिसोर्सेज टू फाइट फॉर माय पीपल. थैंक यू जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे मोटिवेट किया. आप लोग सब जानते हैं कि पिछले तीन चार दिन मेरे लिए बहुत ही खराब रहा है. जिनको मालूम नहीं है, जिसने मुझे बचपन से आज तक यहाँ तक लाया, जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, पेगी मार्टिन, उनका देहांत 15 तारीख को हुआ सवेरे. सबसे खराब बात यह है कि व्हेन शी डाइड, आई वाजंट देयर बाय हर साइड. आई वाज फाइटिंग द केस, आई वाज टॉकिंग टू माय लॉयर्स. I was not there when she left this world. मैं उनसे बात भी नहीं कर सका. और मैंने अपने फादर को, जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ था, मैंने I had told myself कि I will never allow anyone to leave without me being by the side. लेकिन मैं इतना, जो मेरा इतना करीब का है, मैं उसके करीब भी नहीं रह सका जब उनका देहांत हुआ.
तो मैं उसके साइड बाय साइड नहीं था, मैं केस फाइल कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था, अपने लिए आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक आई हैव लेट माय सेल्फ डाउन। पेगी अब मेरे साथ नहीं है और मुझे अब नहीं लगता कि मेरे जिंदगी में ऐसा और कोई आएगा जो मुझे पेगी से जितना प्यार करेगा और जिसको मैं भी इतना प्यार करूंगा। उनका कोई परिवार नहीं था, मैं ही उनका परिवार हूं, उनका अंतिम संस्कार भी मैंने किया है। और परसों मैं उनके अस्थि लेकर बनारस जाऊंगा। उनका बेटा नहीं था लेकिन मैं ही उनका बेटा हूं, तो काइंडली बेयर विथ मी, क्योंकि जिंदगी में हर चीज शोर शराबा से नहीं होता। ये मेरा इतना खराब मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा जितना अभी लग रहा है कि जब पेगी मेरे संग नहीं है और उनके आखिरी मोमेंट्स में आई वॉज नॉट देयर विथ हर। मैं केस में इधर से उधर भाग रहा था, सीए के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन एक पर्सनल ये मेरे संग पूरा जिंदगी रहेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू सीए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये शुरुआत है। आप अपना आंदोलन रेडी रखिए, लेकिन आंदोलन वायलेंट नहीं होना चाहिए, आम जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं कि दिस मूवमेंट इज एंटी हिंदू, दिस मूवमेंट इज एंटी बंगाली। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बंगाली के खिलाफ नहीं है, मैं खुद भी हिंदू हूं। आज पेगी का देहांत हुआ है तो मेरा रुद्राक्ष यहां में है। मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूं, मैं एंटी बंगाली खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि त्रिपुरा जिन्होंने शरणार्थी को रखा है, पहले से रखा है, अब तक रख रहे हैं, आप हमें फिर से बोल रहे हैं रखने के लिए, और जिस राज्य ने आज तक एक शरणार्थी को भी नहीं रखा, आपने उनको किस रीजन से आपने उनको एग्जेम्प्ट किया? हमने क्या गलती की कि आज हमें इस परिस्थिति से जाना पड़ रहा है? तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छे तरीके से मिले, पटेल कन्या भी थी, और उन्होंने मुझे समझाने का कोशिश किया। मैंने उनको एक बात क्लियरली कहा कि अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन कुछ इश्यूज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और इस इश्यू में मैं आपका इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, देश के होम मिनिस्टर, यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, एंड इफ यू डू नॉट लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, आई विल टेक यू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई हैव टेकन अमित शाह टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आई हैव गॉट एन नोटिस सेंट टू द होम मिनिस्ट्री ऑन दिस रिगार्ड। हर चीज बिकता नहीं है, हर चीज का दाम नहीं होता, हर चीज को आप हल्का नहीं ले सकते। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हमारा एजिटेशन रहना चाहिए, लेकिन कोई बंगाली के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बहुत बंगालीज है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सीए। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके पास हेल्थ अस्पताल में आपको डॉक्टर की कमी है, और आज हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज हम जो देश के नागरिक है उसमें बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, मैतई हो, खासी हो, गारो हो, अरुणाचली हो, नागा हो, पहले वो सुविधा आप हमको दीजिए, ना कि कोई बांग्लादेश से जो कल आता है उनको आप ये प्रोटेक्शन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाषा एक है,
खाने का एक है, देखने में मोरलेस एक है। आप आपने क्या सिस्टम बनाया है? और जो लोग 2014 को आते हैं या 13 को आते हैं, आप आज से 1 साल बाद वो आपका बीएसएफ जवान होगा, वो आपका सीमा का सुरक्षा करेगा। आज से 6 साल बाद या 5 साल बाद वो आपका एमएलए बनेगा, वो आपका प्रतिनिधि बनेगा, जो 2013 तक हिंदुस्तान में था ही नहीं। उनको आज नौकरी मिल सकता है, वो आपके बीएसएफ जवान बन सकते हैं, सीआरपीएफ का जवान बन सकता है, सेंट्रल जॉब ले सकता है, स्टेट में जॉब ले सकता है, आपका एमएलए बन सकता है। तो हमारा क्या होगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? ये सुविधा आप पहले हमें दीजिए, शरणार्थी को हम अच्छे तरीके से नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी में रख सकते हैं। लेकिन वो सुविधा जो हमें मिलना चाहिए वो उनको पहले मिलेगा, ये गलत बात है। और रहा बात कि मैंने सुना है कि ये कंचनपुर से कोई लोग मुझे धमका रहे हैं, ये ऐसा 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 करके उन्होंने कुछ स्पीच भी दिया, मैंने देखा ऐसा ऐसा करके। आप लोग क्यों चिंता होते हैं? जो जो भोगते हैं ना, उनका काटने में दम नहीं है, उनका हाथी का दांत है, वो सिर्फ देखने के लिए है, वो कुछ कर नहीं सकते। आप लोग ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, वो 2 इंच के हैं, सामने आने से वो पिघल जाएंगे। बुबागरा अभी भी जिंदा है, बुबागरा को आज तक कोई छूने का किसी का दम नहीं है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट दीज पीपल, दीज पीपल आर वो दीज आर वो टट्टू है, दीज आर टट्टूज। वो ऐसा ऐसा करके कंचनपुर में बोल रहा है कि हम लोग ये दिखाएंगे। अरे 2 मिनट में मेरे सामने आएंगे तो पिघल जाएंगे, उनका उनमें कोई दम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन वो जो बोल रहा है उसको सुनकर आप कोई बंगाली कम्युनिटी के ऊपर अटैक मत कीजिए। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू बंगाली में झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, तिपरासा बंगाली में झगड़ा हो। मुझे वायलेंस नहीं चाहिए। आपके पास अगर विश्वास है तो हम एक संग होकर काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर CAA, जो पहले CAB था, उसके खिलाफ आंदोलन करें। ये आंदोलन में कोई आम नागरिक को, जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप ये सवाल अपने जो MLAs है ना उनसे पूछिए, जो आपका MP आपका वोट लेकर वो गया। यस अनिर्बन सरकार, आई एग्री, मूवमेंट शुड बी विद बंगालीज एज वेल, आई एग्री एंड आई अपील टू द बंगालीज टू ऑल्सो कम एंड ज्वाइन विद तिपरासास, आई अपील टू द मुस्लिम्स, एवरीबडी पीसफुली। किसी को मार के, किसी को गाली बकर करने से मैं तिपरासा को भी बोल रहा हूँ, बंगाली को भी बोल रहा हूँ, मुसलमान को भी बोल रहा हूँ, मैतई को भी बोल रहा हूँ, गोरखा को भी बोल रहा हूँ। और मैं आपके लिए मैंने लड़ा है दिल से। आज जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही इंसान को इतना दिल से प्यार किया, पेगी, जो बचपन से उन्होंने मुझे बड़ा किया। और आज जब वो मेरे संग नहीं है, उनका देहांत हो गया, उनके आखिरी मोमेंट में मैं उनके साथ नहीं था, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा था, तिपरासा के लिए लड़ रहा था, त्रिपुरा के लिए लड़ रहा था, सबके लिए लड़ रहा था। ये जो चोट है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। तो आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये दिस इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट अ इंडिविजुअल, दिस इज अ फाइट अगेंस्ट अ लॉ। और आखिरी बात, आपके पास MLA है, आपका वोट लेकर वो MLA बने हैं, आपका वोट लेकर वो आज मंत्री बने हैं, आज चुप क्यों हैं? उनको जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली हमको हल्का क्यों लेता है? क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा सा पैसा फेंकने से, थोड़ा सा दबाव प्रेशर डालने से हमारे जो MLA MPs है ना, वो पिघल जा घबरा जाते हैं या लालच में इधर से उधर चले जाते हैं। आपका वोट लेकर उनको लाल बत्ती मिला, सिक्योरिटी मिला, सुविधा मिला, बंगला मिला, पासपोर्ट
पावर मिला, डिपार्टमेंट मिला, आज उन्होंने आपको ही भेज दिया। तो मैं तीन बात फिर से आखिर में कहना चाहता हूं। पहला कि ये एजिटेशन हिंदू के खिलाफ नहीं है, बंगाली के खिलाफ नहीं है, ये एजिटेशन है हमारा अधिकार के लिए, ये आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। दूसरा, मैं अपील करता हूं जो हमारे बंगाली भाई बहन हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप भी एक दूसरे से मत लड़िए, ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मेरा जो प्रीवियस कांग्रेस पार्टी था उन्होंने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, एक कम्युनिटी एक धर्म के लोगों को लेकर आए और वोट बैंक बनाया और लड़ाया एक दूसरे से। आज बीजेपी भी वही कर रहा है, कल कोई और करेगा। पॉलिटिशियंस का काम ही है कि सबको बांटे, सीपीएम ने भी यही किया। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम बचे। और लास्ट में द थर्ड पॉइंट इज दैट मेरा जो संघर्ष है सीए के खिलाफ ये जारी रहेगा, और मैंने बहुत खोया है इस संघर्ष में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा नोटिस आज दिया है वो अगर आ जाता है तो हम जीतेंगे। मुझे एक विश्वास है इस देश के कानून में, एक संविधान में। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। बेलाइनो हम बाय, थैंक यू।